के पशु पक्षियों, इस वन के वृक्षों, क्या तुमने हमारी इस मृग नैनी को कहीं देखा है तो नहीं देखा है? कि हंसो मत हंसो, बताओ तो, कि हंसो मत हंसो, बताओ तो, चल करी उतरा मत उड़ाओ। हे सिंहो, तुम्हें अपनी गर्दना लगा करके बतला दो क्या तुमने हमारी प्रिजन की को देखा है तो नहीं? कि हे बहने पहरेदार वृक्षो, तुम तो हमारी प्रजान की रक्षा में सदैव तत्पर रहा करते थे, तुमने क्या कहीं हमारी प्रजान की को जाती हुए देखा? ये कुटी, हमने तो अपनी प्रजान की को तुम पर छोड़ दिया था, तू ही बतला कि हमारी प्रजान की इधर गई है तो इधर गई, हमारी प्रजान की गई तो आखिर किधर गई? भैया लक्ष्मण, थोड़ा आगे चल करके देखते हैं, हो सकता है हमारी प्रिजन की वनों में भ्रमण करने के लिए गई। आओ भैया,
आह राम आह गिदरा जटायू आखिर आप की हालत करने वाला कौन है? आपकी हालत कैसे हुई? शीघ्र में बताओ गिदरा जटायू। कोई भी हो मैं कहता हूँ हट जाओ मुझको जाओ मुझको मरने दो। हराम मंत्र है माता का आराधन उसका करने दो। हट जाओ मुझे मरने दो। हराम मंत्र माता का है इसका आराधन हमें करने दो करने दो। ये गिदरा जटायु ये क्या आप तो हमारी प्रिय जानकी का नाम ले रहे हो? आप कौन है? जानना चाहते हो क्या कि मैं कौन हूँ गिदरा जटायु? कौन हो गिदरा जटायु? गिदराज भाई मेरे मैं ही हूँ वो जटायु जिसके नाम का सुमरण आप कर रहे हो मैं वही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम आज आपके सन्मुख आया है। सर्वप्रथम अपने चरण कमलों में हमारा प्रणाम स्वीकार करो गिदरा जटायु स्वीकार करो। आप ही राम है गिदरा जटायु? राम क्या कहूँ राम राम ये कुरा छत दक्षिण हाराम ले चला
राक्षस माता जी को दक्षिण दिशा की तरफ लिए जा रहा था। मैंने उससे युद्ध किया और माता को छुड़ाना चाहा, परंतु माता को छुड़ा नहीं सका। और जानते हो ये मेरी दशा कैसी हो गई? गिद्रा जटायु, आज आपने हमारी प्रिय जानकी को बचाते हुए इस गति में आ गए, परंतु आपकी ये दशा कैसे हुई है शीघ्र हमें बतलाओ गिद्रा जटायु। भगवान कि नाथ दशा आनन यहा गति की जनक सुतारी दशान ने मेरी दशा बना दी है भगवान। श्री गिद्रा जटायु, क्या दुष्ट दशानन ने हमारी प्रियजन की हरण किया है? हाँ प्रभु, आपने हमारी प्रियजन की को बचाने का अथक प्रयास किया, फिर भी आप सफल न हो सके। उस दुष्ट ने आपके पंखों को काट करके आपको जमीन पर गिरा दिया, और आज आपने हमारी प्रियजन की को बचाते हुए अपने प्राणों को जीवन दांव पर लगा दिया। हे गिद्रा जटायु, परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या चाहते हो प्रभु? श्री गिद्रा जटायु कि भाई भगवान, अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है, इसलिए अब मुझे मरने दो, मेरे सन्मुख आ जाओ राम, ये रूप हमें निरख लेने दो राम, निरख ले। ये गिद्रा जटायु, आप हमारे इस रूप को देखना चाहते हो, कृपा करके अपनी दृष्टि को ऊपर उठाओ, देखो मैं तो आपके सन्मुख ही हूँ। मैं तो आपके सन्मुखी। आह राम, श्री गिद्रा जटायु, आज आपने हमारी प्रिय जानकी को बचाते हुए अपने जीवन का त्याग कर दिया। इस राघव को ऋणी करके गए, कर्जदार करके गए, इसीलिए हे गिद्रा जटायु किया था जाओ हे गिद्धराज, जाओगे परम धाम को। किया था जाओ हे गिद्धराज, जाओगे परम धाम को। तुम ही जाते जाते इसे ना सुन लो, रिड़िया कर चले जटायु। जाती जाती इतना अवश्य सुनते जाइए कि आप इस तरह को कुरड़ी करके जा रहे हो, कर्जदार करके जा रहे हो, आपको हमारा परमधाम अवश्य प्राप्त होगा। हे भैया लक्ष्मण, देखो गिद्रा जटायु, एक पक्षी होते हुए भी इन्होंने हम पर कितना उपकार किया, आज हमारी प्रिय जानकी को बचाते हुए अपने प्राणों का अंत कर दिया, अपने शरीर को नष्ट कर दिया,
परंतु हमारा भी कुछ मनो होने के नाते उत्तरदायित्व बनता है। अब हम भी एक पुत्र की भांति इनका दाह संस्कार करेंगे ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। आओ भैया, आज इधर भगवान श्री राम जटायु गीध का उद्धार करते करते और आज जंगलों में भ्रमण करते करते आज किस प्रकार से माँ शबरी के आश्रम को पहुँचते हैं। इधर माँ शबरी अपने आश्रम में भगवान की प्रतीक्षा करते करते अनेक वर्ष बिता देती है, लेकिन आज प्रभु के दर्शन नहीं होते। किस प्रकार से भजनों में लीन है, किस प्रकार वो भक्ति करती है, देखते हैं सीन के माध्यम से। और सेवरी बैठी आस लगाई, राम मोरे कब घर आए। लेकिन भगवान श्री राम मुझे दर्शन देने के लिए कब आएंगे? दादैया, तुम्हारे खोपड़ी के बाल सब सफेद सफेद हो गए हैं। सच कहता है बेटा। लेकिन हम कहते हैं कि आप तुम्हार भगवान कबहू नहीं आई हैं। बेटा, आश्रम की साफ सफाई हो गई सारी? वो तो सब ओके है। बेटा देख, लगता है कोई द्वारे पे है। देख देख कौन आया है। कहाँ भैया?
कहाँ जा रहे हो? को आओ बताओ भैया, पहले हो तब जाओ आगे। ये हमारी ददैया का आश्रम है। हमारी ददैया का नाम है सेवरी। अच्छा, आओ फिर आओ। ओह, अरे प्रणाम हो भगवान, प्रणाम हो। आपके दर्शन पा करके मैं धनी हो गई। आओ दीनानाथ पधारो, आओ भगवान। अरे बेटा, भगवान आओ भगवान, कब से मैं आपका इंतजार करती थी। एक ना एक दिन मेरे भगवान मुझे दर्शन अवश्य देंगे। आज इस फल भयो जल लो हमारो, आज इस फल भयो जल लो हमारो, सेवरी आश्रम राम पधारो। धनी हो गई भगवान, धन मेरी कुटिया हो गई। और साची कहे तुम्हारे आवने से भगवान, हाय साची कहे तुम्हारे आवने से भगवान, अरे कुटिया में आई बाहर मोरे रामा, कुटिया में आई बाहर मोरे। के दर्शन पा करके मैं धनी हो गई। हे माता सेवनी भगवान, हम आपके आश्रम पर आए हैं। हाँ भगवान, आपने हमारा बड़ा ही प्रेम भाव से स्वागत किया है, परंतु क्या हमें कुछ खिलाओगी? नहीं माता। ओ भगवान, मैं आपको क्या खिलाऊं, मैं तो जात के ठेरी बेलने जात की पासन। आप हमारे वहाँ क्या भोजन करोगे भगवान? हे माता सेवनी, आपके आश्रम पर जो भी खाने योग्य वस्तु रखी हो हमारे लिए लेकर के आओ। भगवान, आपके लिए मैं प्रतिदिन बेर चुन चुन करके लाती थी। आप बेरों को पान करेंगे भगवान, मैं अवश्य लाऊंगी, अभी लाती हूँ। लाओ माता सिमरी। लो भगवान। ओ, कितने दिनों से मैं इंतजार करती थी, एक ना एक दिन मेरे प्रभु श्री राम आएंगे और इन बेरों को चखेंगे। देखती हूँ ये बेर मीठा है या खट्टा है। ये नहीं मीठा है, ये देखती हूँ। लो भगवान, ये मीठा है। ओ, कितना मीठा बेर है। लो भगवान, और खाओ। लो भगवान, ये भी बहुत बहुत मीठा लगता है। कितना मीठा बेर है। आपके बेर वास्तव में कितने स्वादिष्ट और कितने मीठे हैं। हे माता सेवनी भगवान, किला बेरी
माता से बड़ी, आपके बेर कितने मीठे और स्वादिष्ट हैं, इन्हें खा करके मानो हमारा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। और श्री माता से बड़ी भगवान की सबरी का है करत है और भैया लक्ष्मण को भी खाओ, लो और खिलाओ, खाते क्यों नहीं, लो खाओ और खाओ भगवान। लक्ष्मण आखिर तुम बेर क्यों नहीं खा रहे हो भैया, देखो बेर कितने मीठे और स्वादिष्ट हैं, इन बेरों को खा करके मानो हमारी बरसों की भूख मिट गई, हमारी अंतरात्मा तृप्त हो गई, पान और पवित्र हो गई, इसलिए लो भैया बेर खाओ। लो भगवान तुम भी खाओ। भैया लक्ष्मण कि क्यों खाते नहीं बेर लक्ष्मण, देखो कितना लक्ष्मण तुम भी बेर खाओ, देखो बेर कितने मीठे हैं, आपने भी हमारे लिए कई बार बेर लेकर के आए आप, परंतु
जो स्वाद हमें इन बेरों में आज खा करके मिला है, आपके बेरों में हमें कभी नहीं मिला। हमारी प्रिय जानकी हमारे लिए कई बार भोजन परोस करके लाई, परंतु जो आनंद जो स्वाद हमें इन बेरों में मिला, प्रिय जानकी के भोजन में हमें कभी नहीं मिला। हेलो, और हमारे श्रीमान प्रमोद सिंह, श्रीमान प्रमोद सिंह यही भगवंतपुर से, इनके द्वारा 1000 रुपए का सहयोग मेला कमेटी को प्राप्त हुआ, धन्यवाद। हे माता शबरी, आपके बेर खा करके हमारा तो जीवन धन्य हो गया, हमारी बरसों की भूख मिट गई, हमारी आत्मा तृप्त हो गई। भगवान, मैं तो आपसे बस यही कामना करेंगी, और मेरी बिगड़ी बना दो, हाय मेरी बिगड़ी बना दो, जैसे मैंने सीता माता का नाम लिया, वो आपके साथ में नहीं है, आखिर वो क्या है भगवान? हे माता शबरी, आप क्यों रो रहे? जिस समय आपने हमारी प्रिय जानकी का नाम लिया, प्रिय जानकी का नाम सुनते ही हमारी आंखों में आंसू आ गए, इसका एक विशेष कारण है माता। वो कौन सा भगवान? हे माता शबरी, कि हम दोनों भाई राम लखन बने बाकी बने कर आए थे, कि हम दोनों भाई राम लखन बन बाकी बन कर सेवरी। हम और हमारे भैया लक्ष्मण दोनों प्राणी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन में आए थे, और साथ में हमारी प्रिय जानकी भी आई थी, परंतु इस पंचवटी में आने के उपरांत ऐसी अनहोनी हो गई माता सेवरी, कि दुर्दिन ने ऐसा कर डाला उसी और पिता
हे माता सबरी, इस पंचवटी में आने के उपरांत आज हमारी किस्मत ने हमारे साथ में ऐसा खेल खेला। उधर तो अयोध्या में हमारे पिता श्री दशरथ जी का मरण हो गया और पंचवटी में एक स्वर्ण मृग के चक्कर में हमारी प्रिय जानकी का हरण हो गया। आज उन्हीं की खोज करते करते हम आपके आश्रम तक आए हैं। अगर हमारी प्रिय जानकी के बारे में आपको जरा सा कुछ भी मालूम हो तो हमें बतलाने की कृपा करो, क्योंकि इस समय एकमात्र सहारा आप ही हो माता। भगवान, मैं आपको बस बताऊंगी, आगे आप चले जाइएगा कि आगे ऋषि मुख पर्वत सुग्रीव वहां पर रहते हैं। आगे है ऋषि मुख पर्वत सुग्रीव वहां पर रहते हैं। अपने भाई के कारण वे अति कष्ट वो सहते हैं। अपने भाई के डर से वे अति कष्ट वो सहते हैं। आगे ऋषि पर्वत मिलेगा, सुग्रीव बाली का भाई वहीं पर छिप करके रहते हैं। वो अपने भाई से बहुत ही डरते हैं। भगवान, उनसे मित्रता कर लेना और माता सीता की खोज मिल जाएगी। हाँ भगवान। हे माता सबरी, आपने हमें आगे का मार्ग बतला करके जो हम पर उपकार किया है, ये राघव आपका ऋणी रहेगा। परंतु आपने भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है, आप तो परम भक्तिनी हो, परम तपस्विनी हो। आपने अपनी भक्ति के द्वारा इस लोक और उस लोक तक आप स्वर्ग को प्राप्त कर चुकी हो। जाओ, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। जाओ, आपको हमारा परम धाम अवश्य प्राप्त होगा। अब हम आगे जाना चाहते हैं, हमें अनुमति प्रदान करो। आए लीला प्रेमी।